अज्ञानमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादि गोविन्द सर्वकारण कारणम् सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णवन्दे व्रजप्रियं कृष्णविपायनं वन्दे कृष्णवन्दे प्रथासुतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णवंदे जगद्गुरुं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय कुलारविन्दाय पत्रनेत्रं येन तैलव कुलारविन्दाय पत्रनेत्रं भगवद्गीतापीडं नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् ीतकीर्ति बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे कक्षे वामे पाणमश्रुण कबलम फलान्यंगुमणीषु तिष्ठन मध्ये सोपरि सुहृद्भासन नर्मभीष्वै स्वर्गे लोके निषदि भुजे यज्ञ भोग बालके तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरभूविनीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतान्तमुन्नम् संसारिणां करुणया पुराणगृहम् तं व्याससूनुपयामि गुरूणां जन्माद्यस्य ददन्मयादितरतश्चार्थेश विज्ञापरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं त्रिजत्सूरय तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्माब्रुज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मच्छराणां सताम् विद्यं वस्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतम्
भागवतम रसमालय मुहुरु रसिका भुवि भावुका मांसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः महायोगन्यधीश्वरी नन्दरूपसुतं देवी पतिं मे कुरु ते नमःकुमारिकाम् सुश्रुता वैष्णवेर्करि नमस्कार सकले पदद्यो मस्तके अमर जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर हरि शरणम। अथ चतुर्थ स्कंद ये पांचवा अध्याय चल रहा है। सप्तम अध्याय। इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्व भावनम वपुरानंद करं मनोदृशां शुर विदिक्षपणीरुदायुधैर् भुजदंडैरुपपन्नमस्तभिः। हे अच्युत प्रभु, आपका यह भी रूप जो जगत को प्रकाशित करने वाला है, देव द्रोहियों का विनाश करने वाला, अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त, आठ भुजाओं वाला है तथा मन तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला है। पत्न्यो चुहु चज्ञो यंतव यवनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदम् यज्ञतन्नलिन रुचा दृशा पुनी। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ की रचना आपकी आराधना के लिए की थी, किंतु दक्ष पर क्रोध करने का कारण इस समय इस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया है। हे यज्ञात्मन, श्मशान भूमि के समान उत्सव विहीन हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कांति के समान कांति से संपन्न अपने इन नेत्रों से देखकर आप पवित्र बना दें। ऋत्विजों की पत्नियों ने स्तुति करते हुए कहा, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने आपकी आराधना के लिए यज्ञों की सृष्टि की। हे यज्ञात्मन, भगवान को स्तुति कर सकते। अच्छा, हे यज्ञात्मन प्रभु, हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कांति से युक्त अपने नेत्रों से देखकर पवित्र बना दें। प्रश्न है कि किस प्रकार के यज्ञ को, तो इस पर वे कहती हैं, जहाँ पर मुर्दे सुलाए जाते हैं उस स्मशान भूमि के समान उत्सव रहित होने के कारण प्रतीत होने वाले, यहाँ पर मेध शब्द के द्वारा पशुहिंसा आदि उत्सवों को कहा गया है, अथवा सब शब्द जल का वाचक है। उस जल में शयन करने वाले हे पद्मनाभ भगवान, यह सब शयनाभ पद संबोध भी हो सकता है। ऋषय ऊचू अनन्मितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि ही कर्मना जसे विभूतये यत उपसे दूरीश्वरीं नमन्यते स्वयमनु वर्तति भवान। हे भगवान, आपकी लीलाएं विचित्र हैं, क्योंकि स्वयं आप कर्म को तो करते हैं, किंतु उन सबों से आप निर्लेप बने रहते हैं। दूसरे लोग वैभव को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्मी जी की शरणागति करते हैं, वे लक्ष्मी जी स्वयं आपको सेवा में लगी रहती हैं, फिर भी आप उनका बहुत अधिक सम्मान नहीं करते हैं।
अपितु उनसे निष्प्रुह ही बने रहते हैं। सिद्धा ऊचु अयं तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावा अग्निदग्ध तृषार्थो बगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वर्ण। यह हमारा मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध और अत्यंत त्रुषित होकर आपकी कथा रूपी विशुद्ध सरिता में गोता लगाए हुए बैठा हुआ है। ब्रह्मानंद में लीन हो जाने के कारण उसको संसार रूपी दावानल की न तो याद आती है और न तो वहाँ से वो बाहर भी निकलना चाहता है। ये सिद्ध गण कहते सिद्ध पुरुष श्री भगवान की कथा के श्रवण जन्य आनंद की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, यह हमारा मन रूपी हाथी आपकी कथा रूपी शुद्ध अमृतमय नदी में प्रवेश कर गया है। इसके कारण यह इस समय दावाग्नि के समान संसार में प्राप्त होने वाले संताप का स्मरण नहीं करता है। वो आपकी इस अमृतमय कथा नदी से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है, मानो उसने ब्रह्म से अभेद को प्राप्त कर लिया है। अतः जजमान्युवाच स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांताय त्रायिन तवामृते धीश नांगैर्मखः शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुष। हे संपूर्ण जगत के स्वामीन, आपका स्वागत है, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे लक्ष्मीपते, आप अपनी प्रियतमा पत्नी लक्ष्मी जी के साथ हमारी रक्षा करें। हे यज्ञों के स्वामीन, आपके बिना अंगों से युक्त भी यह यज्ञ पुरुष उसी तरह सुशोभित नहीं होता है जिस तरह सिर से रहित केवल धड़ सुशोभित नहीं होता है। लोकपालाऊचु दृष्ट किंगो दृग्भी रसत ग्रहिस्त्वं प्रत्यक द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया हेसा भवदीया हि भूमन यस्पं षष्ठ पंचवीरभासी भूते। हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतकरणों के साक्षी हैं। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है। आप हमारी इन मायिक पदार्थों का साक्षात्कार करने वाली इंद्रियों के द्वारा कभी देखे जा सकते हैं क्या? आप इन पांच भूतों के साथ छठे के रूप में प्रतीत होते हैं, यह तो आपकी माया है, आप इन सबों से पृथक हैं। लोकपाल ईश्वरत्वाभिमान से युक्त हैं, उनको परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है। नहीं। इस प्रकार के लोकपालों ने कहा, आपको हम लोगों ने अपनी इंद्रियों से कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि हमारी वे इंद्रियां असत पदार्थों का ग्रहण करने वाली हैं। यहाँ पर पुलिंग प्रयोग अभिष्ट लिंग होने के कारण है। इंद्रियों का स्वभाव है कि वे असत पदार्थ का ही प्रकाश करती हैं। इन इंद्रियों से आपका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? अयम भाव इत्यादि कहने का अभिप्राय है कि जिन पुरुषों का मन शुद्ध होता है, उन लोगों को आप शुद्ध सत्व रूप से प्रकाशित होते हैं। हम लोगों की इंद्रियां तो बहिर्मुख हैं, अतएव उन सबों के द्वारा आप पंचभूतोपलक्षित जीव विशेष के समान प्रतीत होते हैं। इसीलिए आप हम लोगों की इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं, हम लोगों के जीवन का धिक्कार है। अच्छा, ये लोकपाल माने को सकते। योगेश्वरा ऊचु प्रेयान्नतेन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीखेर्न पृथग् आत्मनः अथापि भवन्ति स तयोपधावता
मनन्यवृत्यानुगृहानुवत्सल। हे संपूर्ण जगत की आत्मा स्वरूप प्रभो, जो उपासक आपको अपनी आत्मा से अभिन्न मानता है, उससे अधिक आपको कोई भी प्रिय नहीं है। फिर भी हे भक्तवत्सल प्रभो, जो लोग आप में स्वामी भाव को रख कर अपनी अनन्या भक्ति के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, उन लोगों को भी आप अनुग्रहित करें। योगेश्वर का यह मानना है कि जो लोग भगवान की उपासना अपने से अभिन्न मानकर करते हैं, वे ही श्री भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। अभिन्न माने करी निधर ज्ञान अभिन्न वाले कौन से भगवान भगवान है आपको कहते भिन्न मानते आप भिन्न मानु जमी आत्मस्वरूप भावुंत निजर गोटे अलग प्रतिच्छवि आत्मीयता प्रियता आत्मता प्रियता ता हूँ समानता। अच्छा समानता नुह बाप जो आसन बच्चे सेमती आसन कर मत बस पड़े तो योगेश्वर का यह मानना है कि जो लोग भगवान की उपासना अपने से अभिन्न मानकर करते हैं, वे ही श्री भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। वे श्री भगवान की प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि जो लोग श्री भगवान को अपना स्वामी मानकर स्वामी भृत्य भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन लोगों को वे अनुग्रहित करें। अभिन्नता 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 सेवा भाव स्वामी सेवक भाव ये होती अभिन्नता। अभिन्नता बोले तो रास्तार बहुत लोग जाते हाँ अभिन्नता पूरा लिखा है भय से जे मुझे से जे मुझे से कौन बाबा भगवत गीता रे गोटे जगार भगवान कहते एकत्वे न पृथक्त्वे न इन्होंने कौन भगवान केते केते बहुधा ना ना उपासना तो करती किसी लोक मत अभिन्न रूप से किसी लोक पृथक भाव एम सब मोर उपासना करती हाँ। सारा सृष्टि उपासना कर प्रेत पूजा करना कर भगवान भक्त मन आस प्रेत ठिया पड़े भक्त पाखे प्रभु बहुत बढ़िया रूप एमती रूप आप था हाउ हाउ आप प्रणाम कल को प्रेत उठी ना भगवान प्रकट है प्रेत तो मुक्ति होगा भगवान कहला हायो प्रेत रूप से मत भी देखुच प्रेत भितर मत देखो ना आप नहांती कि भगवान व्यत किसी ना बोली से सब कौन बाकी जहां सब देखा जा यदि भक्त तो आप कौन देखे लीला रूप देखे ना भक्त पाखे को प्रेत प्रत किसी ना कौ दक्ष आकाश गंधर्व किसी ना ये भगवान विभिन्न अंग आप हाथ गोड़ नाक कान समस्त को मुझे मानते ना नदी मुझे न मानस मोर बोली मानते ना ना जमी निज शरीर को मुझे मोर बोली मानुचे से भगवान सृष्टि भगवान नहीं तो भगवान कर भगवान तार सार तत्वटा कौन एटा को हर सब रखी मन में पकेट भितर जो उठी गल सर्टिफिकेट बाहर कला मान भगवान पकट प्रेयान इत्यादि संपूर्ण जगत की आत्मा आप में अपने से भिन्न नहीं मानता है, उन उपासकों से भिन्न कोई दूसरा आपको अधिक प्रिय नहीं है। अथवा जो लोग आत्मा से भिन्न जीवों को नहीं देखते हैं, यह भी अर्थ हो सकता है। हे भक्तों के प्रिय भगवान, जो लोग स्व स्वामी भाव रूप संबंध मानकर आपकी सेवा और व्यभिचारिणी भक्ति आपकी करते हैं, उन लोगों को भी आप अनुग्रहित करें। अभिचारिणी अव्यभिचारिणी मान व्यभिचारी नुह माने अनन्य भक्ति पूरा एकदम हाँ अनन्य भक्ति विचार भक्त नहीं
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତେ ମା ଏଠି ଆସିଗଲା। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ତା ପାଖରେ ଆସେ ସବୁଗୁଡାକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ଆପଣ ହିଁ ଆସେ। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅନେକ ହିଁ ଦେଖେ ନା ନାଇଁ। ଅନେକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମା। ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଗଦ ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ଲୟେ ସୁଦୈବତ ବହୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁଣୟାତ୍ମମାୟା ରଚିତାତ୍ମ ଭେଦ ମତ ଏ ସ୍ୱସଂସ୍ଥୟା ବିନିବର୍ତ୍ତିତ ଭ୍ରମ ଗୁଣାତ୍ମନି ନମଃ। ଏଇ ଭାବଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ସବୁଗୁଡା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ସବୁକିଛି ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଲା ନା, କାହାର ପୂଜା କରୁଛ? ଯଦି ସିଏ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ସିଏ ହିଁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜଗତ ରହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କଲ ଯାହା କଲ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆରାଧନା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ପୂଜା ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ କଠିନରେ ପଡ଼ିଯାଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କମ କଠିନ ନାହିଁ। ଜୀବକେ ଅଦୃଷ୍ଟ କେ କାରଣ ଜିସ୍କେ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭେଦ ଆ ଜାତା ହେ ଉସେ ଅପନି ମାୟା କେ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଔର ଲୟ କେ ଲିଏ ଆପ ବ୍ରହ୍ମାଦି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରକେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନେ କା କାମ କରତେ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଜୀବକେ ଅଦୃଷ୍ଟ କେ କାରଣ ଜିସ୍କେ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭେଦ ଆ ଜାତା ହେ ଉସେ ଅପନି ମାୟା କେ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଔର ଲୟ କେ ଲିଏ ଆପ ବ୍ରହ୍ମାଦି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରକେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନେ କା କାମ କରତେ ହିଁ ମାନେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ରୁଦ୍ର, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ସ୍ୱରୂପତ ଉସ୍ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଔର ଉସ୍କେ କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦୂର ହେ। ଭକ୍ତ ମାନୁଛି କି କଥା ମାନିଲା ସେ ନା? ବହୁତ ଦୂର ଏସେ ଆପକୋ ମେରା ନମସ୍କାର ହେ। ଇଏ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି କହେ କି ଭଜନୀୟ ତ ଅନେକ ହେ ଏସେ ସ୍ଥିତି ମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି କେସେ ହୋ ସକତି ହେ ତୋ ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ଆଶଙ୍କା କରକେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନେ କହା ଜଗତ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କେ ଲିଏ ଦୈବ ବସାତ ଜୀବକେ ଅଦୃଷ୍ଟ କେ କାରଣ ଜିସ୍କେ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କେ ଭେଦ ହେ ଉସ୍ ମାୟା କେ ହି କାରଣ ଆପ ବି ଅପନେ ମେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଭେଦୋ ଉସେ ମହିମା କେ କାରଣ ଲଗେଇ ଦଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମହିମା କେ କାରଣ ଭେଦ ସେ ଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେତେ ହେ ମହିମା କେ କାରଣ ଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାତେ ବାସ ଆଉ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଭଗବାନ କୁଆଡେ କରା କରିପାରିବନି ପରନ୍ତୁ ଆପ ମେ ଭେଦ କା ଭ୍ରମ ହେଇ ନାହିଁ ବା ଆପ ଇନ୍ ଭେଦ ଔର ମାୟା କେ ଭେଦ ଔର ଗୁଣ ସେ ରହିତି ହେ ଏସେ ଆପକୋ ହମ ନମସ୍କାର କରତେ ହେ ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀତ ସତ୍ୱାୟ ଧର୍ମାଦୀନାମ ଚ ସୂତୟେ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଚ ଯତ୍କାସ୍ଥାମ ନାହଂ ବେଦା ପରେ ବିଚ ଧର୍ମ ଆଦି କି ଉତ୍ପତ୍ତି କେ ଲିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନେ ବାଲି ତଥା ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପକୋ ମେ ନମସ୍କାର କରତା ହୁଁ ଆପକେ ତତ୍ୱକୋ ନ ତ ମେ ଜାନତା ହୁଁ ଔର ନ କୋଇ ଦୂସରା ବି ଜାନତା ହେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କି ସ୍ତୁତି କରତେ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କହତେ ହେ ନମସ୍ତେ ଇତି ଯୋ ଆପ ଧର୍ମ ଆଦି କି ଉତ୍ପତ୍ତି କେ ଲିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରତେ ହେ ଏସେ ଆପକୋ ମେରା ନମସ୍କାର ହେ କିଞ୍ଚ ନିର୍ଗୁଣ ଆପକୋ ମେରା ନମସ୍କାର ହେ ଅବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେ କି ଏକ ପରମାତ୍ମା ମେ ସତ୍ୱଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଔର ନିର୍ଗୁଣତ୍ୱ ଦୋନୋ କେସେ ରହ ସକତେ ହେ ତେନେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏପଟୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି କହିଲେ
इस प्रकार की आशंका करके वेद कहते हैं, जिस आपकी काष्ठा सीमा को न तो मैं जानता हूँ और न तो ये ब्रह्मा आदि देवता भी जानते हैं। अग्नि रुवाच यत्तेजा साहम सुसमीध तेजा हव्यंग बहे स्वर आज सिकतम तंग यज्ञं पंचविधं च पंचभि स्विष्टं जदुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। जो ऊपर जो स्तुति कले की करथले ब्रह्मा ब्रह्मा करथले ना ब्रह्मा स्तुति कले जे आपण करो महिमा को ना मु जानि कि ना के जानि ना एटा बाबा कोथे ब्रह्मा नंदी शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म कथा करे ना ब्रह्मवाच लिखा है जी किंतु शब्द ब्रह्म ना वेद एटा पढ़ले आगे पढ़ले कहते धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्वगुण को धारण करने वाले तथा निर्गुण स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ, तो आपके तत्व को न तो मैं जानता हूँ और कोई दूसरा भी जानता है। तो एटी से प्रश्न जे श्री भगवान की स्तुति करते हुए शब्द ब्रह्म कहते हैं कि नमस्ते इत्यादि, जो आप धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्वगुण को धारण करते हैं ऐसे आपको मेरा नमस्कार है, किंच निर्गुण आपको मेरा नमस्कार है। ताले अब प्रश्न है कि एक परमात्मा में सत्वगुण तत्व और निर्गुण तत्व दोनों कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते अच्छा ना नहीं अच्छा अच्छा ताले केमती अच्छा केमती अच्छा तुम से बुझेदे किमी अच्छा तार उत्तर ना मु जानी ना अन्य के जानी किमी अच्छा मु जानी ना अन्य मैंने जानते मात्र आम कह काठ भितर अग्नि केमी अच्छी अग्नि काठ कौन संबंध गोटे जगह काठ अग्नि देखी रखिले कि रहो जाली पड़ दबो कि नहीं ना कंचा काठ है दौड़ ताकू लिभेद ना शुकिला काठ दौले ताकू जाड़ कि नहीं किंतु अग्नि काठ एकाठी अच्छा ना नहीं अच्छा तेणु जन पचार किमी अच्छा के बुझे तब के बुझे तेणु से अच्छा कि मात्र बुझे हूं हाँ नहीं से कौन अच्छा मु जानी ना आउ अन्य को देवता मैंने भी जान पार तेना कही व्यक्ति उपर व्यक्ति यदि आज तार कौशल बतेला से काठ काठ घसला अभिनेत प्रकट हेले प्रकट हेला बेले तो काठ को जाली दब रख जाली दब किंतु अच्छा एक सांगे अंगांग जड़ित होमती अच्छा ना मु जानी ना आ किए जानी भगवान महिमाटा यह भगवान व्यक्त आई जानती मात्र अच्छा आउ गोटे गोटे जगार देखुजे से तार शत्रु से तार शत्रु जीव ये सब रोते ना नहीं गोटे जगार चर्चा चल शिव बाहर अच्छा आश्रम मुनि सन्थ मान आश्रम अच्छा विरोध भेदभाव छाड़ी गोटे जगार रही अच्छा अच्छा केमी तो विरोध को विरोध से तार खाद्य से तार खाद्य अच्छा के व्याघ्र पक्षे कुड़ी गो राय लाग प्रेम जो कि प्रेम प्रकाश हाँ प्रेम प्रकाश तेना प्रेम जिते उत्पन्न होते भगवान भक्त पाखे किसी कौटा अजणा रही ना तेनाली स्तुति पाठ ब्रह्मा पर कौन प्रेम राजी गला स्तुति बंद हो से प्रेम प्राप्त है प्रेम तत्व कथा से कहना बोल कि ये सिद्धांत नहीं पार ना कही पार ना कौन
प्रेमी प्रेमी कह ना उल्टा भगवान कहे जे भक्तर पराकाष्ठा के तार अंत पाऊनि तेणु मुझे ऋणी हो जाए कहीं कौन भक्तर अंत से पाई ना मेरे से ऋणी होता कौ स्थित स्तर स्थितर कथा ना प्रेम प्रीति स्थितर कथा से भगवान किसी भगवान भक्त पाखे उठे पार बा भक्त कथा भगवान किसी सेठी देखा जाए शत्रु मित्र स्वरूप बा व्यवहार किंतु तार क्रिया किसी न था क्रिया कितने देखा थे क्रिया किसी नहीं गोटे आम मान गोटे सिंह दिटा बस कौन अच्छे शंका भय अच्छे कहीं रूपटा खाली अच्छी क्रिया किसी ना गोटे क्रिया वाला बस पड़े बस पड़े भगवान नृसिंह रूप को सम्मति देखिले क्रियावानशील सिंह कौन कि जानी हौनी तुम भय थर कि गले तेणी भक्त प्रहलाद कौन गले क्रिया देखा गला भगवान कौन गोटे पोष आटे गोटे खोल्ड सार्ट पिंधन जे एथर मु कौन भय करी कि तेणु से स्थित पहुंची गले से भगवान प्रहलाद पाखे अजणा रही कि भक्त पाखे भगवान अजणा रखे मात्र विरोध तत्व देखा जाए कि तार क्रिया किसी न था विरोध तत्व विरोध क्रिया किसी न था मात्र रूपटा देखा जाए ना नहीं स्तुति कर जिन श्री भगवान के तेज से प्रज्वलित तो होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं तक घृत मिश्रित हविष्य को पहुंचाने का कार्य करता हूं, ऐसे आप स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं और यज्ञों की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र दर्श पौर्णमस चातुर्मास्य और पशु सोम ये पांच प्रकार के यज्ञ आपके स्वरूप हैं और आश्रावय अस्तु श्रोपट यजे और जजामहे इन पांच प्रकार के जजु मंत्रों से आपकी ही आराधना होती है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि अग्नि तो यज्ञमूर्ति श्री भगवान की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं जिस आपके तेज से मैं अच्छी तरह प्रज्वलित होता हूँ, ऐसा मैं श्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं तक भविष्य पहुंचाने का काम करता हूँ। उन यज्ञों के पालक तथा यज्ञ शरीरक आपको प्रणाम करता हूँ। यज्ञ के पंच विधत्व का प्रतिपादन करते हुए तैतरीय आरण्यक में कहा गया है एष यज्ञ पंच विधोग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो चातुर्मास्यानि पशु सोमः इति। अर्थात यह यज्ञ पांच प्रकार का है, एक अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चतुर्मास्य और पशुसोम। इन यज्ञों में यज्ञ के पांच जजुर मंत्र से भगवान सुपूजित होते हैं। श्रुति भी कहती है आश्रवयेति चतुरक्षरम अस्तु सोषणीति चतुरक्षरम यजेति द्वक्षरम ये दजाम इति पंचाक्षरम द्वयक्षरो वसत्कारः। अर्थात आश्रावय यह चार अक्षरों वाला मंत्र है, अस्तु श्रोसट यह चार अक्षरों वाला मंत्र है, यज यह दो अक्षरों वाला मंत्र है, ये जजामहे यह पांच अक्षरों वाला मंत्र तथा बसट यह दो अक्षरों वाला मंत्र है। स्मृति भी कहती है चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम शमे विष्णु प्रसीदतु। अर्थात जिन भगवान विष्णु की आश्रावय इस चार अक्षरों वाले मंत्र से और अस्तु श्रोसट इस चार अक्षरों वाले मंत्र से, उसके पश्चात यज इस दो अक्षरों वाले मंत्र से
ये जजामहे इस पांच अक्षर वाले मंत्र से तथा बसट इस दो अक्षर वाले मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाती हैं। वे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए अग्नि स्तुति कर देवाहुचु पुरा कल्पा पाए स्वकृत मुदरीकृत्य विकृतम त्वमेवाद्य तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयनि पुमांसे से सिद्धैर् हृदि विमृशिताध्यात्म पदभिः स एवाद्याग्न्योर्ज पथिचरसि धृत्या नवसिनहम्। हे भगवन, आप ही आदि पुरुष हैं, पूर्व कल्प के समाप्त हो जाने पर अपने कार्यभूत इस संपूर्ण प्रपंच को आप अपने उदर में लीन करके आप ही उस प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की सजा पर शयन करते हैं। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का चिंतन जन लोक निवासी सिद्धगण अपने हृदय में चिंतन करते हैं। वही आप आज हम लोगों को दर्शन देकर अपने भृत्य हम देवताओं की रक्षा कर रहे हैं। ये देवता माने गोचर गंधर्वाऊचु अंसां सास्ते देव मरिच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणां रुद्र पुरोगा क्रीड़ा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभुः तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। हे देव, ये मरीचि आदि ऋषिगण और रुद्र प्रमुख ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवगण आपके अंश के भी अंश हैं। ये जगत व्यापक, हे जगत व्यापक प्रभो, यह संपूर्ण जगत आपकी क्रीड़ा की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सदैव नमस्कार करते हैं। गंधर्व माने विद्याधर ऊचु तन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैस्वैः खित्तोऽप्यसत् विषयलालस आत्ममोहं जुष्मत्कथा मृतनिषेवक उद्युदसीत्। परम पुरुषार्थ के साधन भूत इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव आपकी माया से मोहित होकर इस शरीर में ही अहंत्व तथा ममत्व का अभिमान करता है। आपकी माया से मोहित होगी उसके पश्चात वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होकर भी असत विषय की प्राप्त करने की लालसा करता है। किंतु जो लोग आपकी कथा रूपी अमृत का सेवन करते हैं, वे इस आत्म विषय अज्ञान को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। तो विद्याधर तो विद्याओं के ही द्वारा संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। उन लोगों ने कहा कि हे भगवान, आपके कथाओं का श्रवण किए बिना अहंकार की निवृत्ति नहीं होती है। अहंकार जीवनी जैसे बोले आप कथा मृत पान को नाम दी। श्लोक के अर्थ शब्द का अर्थ है पुरुषार्थ का साधन। यह मानव शरीर परम पुरुषार्थ का साधन है। इस शरीर को प्राप्त करके भी मनुष्य आपकी माया से मोहित होकर इस शरीर में ही अहत्व और ममत्व का अभिमान करता है। इस आत्म विषय ज्ञान को तो आपकी कथा रूपी अमृत का सेवन करके ही मनुष्य पूर्ण रूप से त्याग सकता है। ननु इत्यादि यदि कोई यह कहे कि मनुष्य जब अपने पुत्रों आदि से अपमानित होता है उसी से उसको अहंत्व ममत्व का परित्याग कर देना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। उन सबों से अपमानित भी होकर वो अज्ञानी मनुष्य असत पदार्थों को ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। ठोकर खाई ले भी ब्राह्मणाऊचु त्रं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रः
समदर्भपात्राणि च समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्य पिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हविष्य हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, कुश और यज्ञपात्र हैं, आप ही सदस्य, आप ही ऋत्विज, आप ही यजमान और यजमान पत्नी हैं, आप ही देवता अग्निहोत्र स्वधा घृत तथा पशु आप ही हैं। ब्राह्मणों ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, यज्ञ तथा यज्ञ के सारी सामग्री आप ही हैं, यज्ञ के सदस्य तथा ऋत्विजो भी आप ही हैं। इस तरह से ब्राह्मणों ने तीन श्लोकों से भगवान की स्तुति की। त्वं पुरा गांग रसाया महासूकरो दंष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदं लीलया योगिभिर् व्युज्जहर्त त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। हे वेद मूर्ति भगवान, आप ही यज्ञ और यज्ञ के संकल्प भी आप ही हैं। पूर्व काल में रसातल में गई पृथ्वी का उद्धार करने वाले महाबराह आप ही हैं। जिस तरह से कोई गजेंद्र किसी कमलिनी को अपने दांतों पर रख लेता है, उसी तरह से आप अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी का उद्धार किए। उस समय आप धीरे धीरे गर्जना कर रहे थे और जोगी जन आपकी स्तुति कर रहे थे। स प्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञे सति यज्ञ विघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हे यज्ञेश्वर, लोग जब आपके नाम का उच्चारण करते हैं तो यज्ञों के विघ्न विनष्ट हो जाते हैं। हम लोगों का यह सत्कर्म रूपी यज्ञ नष्ट हो गया था, अतएव हम लोग आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। अब आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, आपको नमस्कार है। इस श्लोक में ब्राह्मण श्री भगवान से कह रहे हैं कि हम लोग आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, अतएव आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए और हमारे यज्ञ का भी उद्धार कीजिए। आपके लिए यह अशक्य इसीलिए नहीं है कि आपका नामोच्चारण करने मात्र से यज्ञ के विघ्न दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रभाव संपन्न आपको नमस्कार है। हाँ, यज्ञ सब तो विध्वस्त ही तापर भगवान प्रकट हलु मैत्रे उवाच इति दक्ष कबीर यज्ञं भद्र रुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञ भावनीं। हे विदुर, इस प्रकार से सब लोगों द्वारा यज्ञों के रक्षक श्री भगवान की स्तुति किए जाने पर चतुर दक्ष ने वीरभद्र के द्वारा ध्वंस किए हुए यज्ञ को पुनः प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से सब लोगों द्वारा स्तुति किए जाने जाते हुए देखकर चतुर दक्ष ने वीरभद्र के द्वारा ध्वस्त किए गए यज्ञ को फिर से करना प्रारंभ कर दिया। ताले अन्य एक जागर कल सीधी आकल जो हरिद्वार भगवान कौन कौन सुन। अच्छा, भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग भुक् दक्षं बभास आभास्य प्रियमान इवानघ। हे अनघ, सर्वांतर्यामी भगवान सभी के भोगों के भोक्ता हैं। उन्होंने त्रिकपाल पुरोड़ा स्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर दक्ष को संबोधित करके कहा। श्री भगवान अंतर्जामी रूप से सबों की आत्मा हैं, अतएव वे सबों के भागों के भोक्ता हैं। वे भगवान अपने आनंद मात्र से ही तृप्त हैं, फिर भी अपने त्रिकपाल रूप पुरोड़स से प्रसन्न होते हुए दक्ष को संबोधित करके कहे। श्री भगवान उवाच
अहम् ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणम्। जगत का परम कारण मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ, मैं सबों की आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ, मैं स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। जो मैं संपूर्ण जगत का कारण आत्मा ईश्वर अर्थात नियामक साक्षी और स्वयं प्रकाश उपाधि रहित हूँ, वही मैं ब्रह्मा और शिव भी हूँ। आत्ममायाम समाविश्य सोहं गुणमयी द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम दत्रे संज्ञां क्रियोचिताम्। हे द्विज, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि करता हूँ, रक्षा करता हूँ और संहार करता हूँ, और मैं ही इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव इन संज्ञाओं को धारण करता हूँ। से तो दोस्त पूरा कर दिली तो सेटा बहुत सेटा ही कहउछन। हां सो कहयार सो कोन हमें कोन बुझवा दुर कोन माने कोन तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौ च भूतानि भेदे नाज्ञोनुपश्यति। उस अद्वितीय, अद्वितीय मतलब भेद रहित विशुद्ध परमात्मा मुझ ब्रह्म में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र और दूसरे जीवों रूपी भेदों को देखता है। हाँ। यथा पुमान स्वांगेशु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जिस तरह से विज्ञ पुरुष सिर हाथ आदि अपने अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं करता है, उसी तरह से मेरा भक्त सभी प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। यथा इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान यह बतलाते हैं कि विद्वान पुरुष जिस तरह से अपने अंगों को अपने से भिन्न नहीं जानता है, उसी तरह से मेरा भक्त भी सभी प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शांति मधिगच्छति। हे ब्रह्मन्, जो मेरा भक्त एक स्वरूप वाले ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो सबों की आत्मा स्वरूप है, हम लोगों में भेद नहीं देखता है, वो शांति को प्राप्त करता है। श्री भगवान ने दक्ष प्रजापति को बतलाया कि हम तीनों स्वरूपतः एक हैं, अतएव हम लोगों में अभेद को देखने वाला पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर् हरिम् अर्चित्वा क्रतुनाश्वेन देवानुभयतो यजत। इस प्रकार से श्री भगवान के आदेश को पाकर प्रजापतियों के पति दक्ष प्रजापति त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा श्री भगवान की पूजा करके ब्रह्मा और रुद्र की भी पूजा प्रयाज आदि अंगों और दर्श पौर्णमास आदि प्रदानों से भी की। अपने त्रिकपाल नाम इष्टि के द्वारा दक्ष प्रजापति ने भगवान श्री हरि की पूजा करके प्रयाज आदि अंगों और दर्श पूर्णमास आदि अंग प्रधानों से ब्रह्मा रुद्र तथा दूसरे देवताओं की पूजा की। रुद्रं च स्वेन भागेन शुपाधावत् समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सत्विग्भिः सस्नाव बभृतं ततः। उसके पश्चात उन्होंने एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव के यज्ञ शेष रूप भाग से उन्होंने पूजा की। यज्ञ की समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म के द्वारा उन्होंने दूसरे सोमपान करने वालों की पूजा की। उसके पश्चात यज्ञ को समाप्त करके उन्होंने अबभृत स्नान किया।
यज्ञ शेष नामक भाग से दक्ष प्रजापति ने शंकर जी की पूजा की। उदवसान नामक कर्म से यज्ञ को समाप्त करके दूसरे सोमपान करने वालों की पूजा की। उदवस्यते समाप्यते नेनेत्यु दवसानम। यह उदवसान शब्द की व्युत्पत्ति है। यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने अपवृत स्नान किया। तस्मा अप्यनुभावेन श्वेने वाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्वा त्रिदशास्ते दिवं जजुहु। अपने ही पुरुषार्थ से जिनको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, उन दक्ष प्रजापति तुम्हारी सदा धर्म से धर्म में बुद्धि बनी रहे, इसका आशीर्वाद देकर वे सभी देवता स्वर्ग लोक चले गए। यद्यपि दक्ष प्रजापति को अपने पुरुषार्थ से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, फिर भी उनको देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी धर्म में बुद्धि बनी रहे, और उसके पश्चात वे सब स्वर्ग लोक चले गए। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवत क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुमम। इस तरह से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पहले के शरीर को त्याग कर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया। इस तरह से हमने सुना है। तमेव दैतं भूय आवृंते पतिमंबिकाम अनन्य भावैक गतिं शक्ति सुप्तेव पुरुषम। प्रलय काल में लीन हुई प्रकृति जिस तरह अपने एकमात्र आश्रय परमात्मा का ही पुनः आश्रय लेती है, उसी तरह श्री अंबिका जी ने भी इस जन्म में अपने एकमात्र प्राप्य प्रिय पति भगवान शिव का ही वर्ण किया। आवृंते पद का अर्थ है वर्ण किया। जिस तरह प्रलय काल में लीन हुई प्रकृति अपने आश्रय रूप से ईश्वर को ही अपनाती है, उसी तरह अनन्य भाव से भजन करने वालों को एकमात्र प्राप्य तथा अपने प्रिय पति शंकर जी का ही अंबिका जी ने भी वर्ण किया। एतत् भगवतः शंभो कर्म दक्षाधरद्रुह श्रुतम भागवता शिष्या दुद्धवान में बृहस्पति। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह कर्म मैंने भगवत भक्त तथा बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी के मुख से सुना है। अच्छा हाँ, मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव के इस चरित्र को मैंने भगवत भक्त तथा आचार्य बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से सुना है। इदं पवित्रं परमी सते स्थितं दशस्य मायुष्य मघोघमर्षणं यो नित्यदाकर्ण्य निरोनु कीर्तये ए धनोत्यघं कौरव भक्ति भावत। हे कुरुवंशीय विदुर जी, भगवान शिव जी का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, यश और आयु को प्रदान करने वाला तथा पापों का विनाश करने वाला है। जो नित्य ही भक्तिभाव से इसका श्रवण करके इसका कीर्तन करते हैं, वह अपनी पाप राशि का विनाश कर देते हैं। भगवान शंकर का यह चरित्र परम पवित्र, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पापों का विनाश करने वाला है। जो इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके इसका कीर्तन करता है, वह अपने पाप समूह को विनष्ट कर देता है। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के भावार्थ दीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय संपूर्ण हुई। अपने पूछूंगी इंद्र ब्रह्मा भगवान शंकर सब विभिन्न प्रकार सब स्तुति कले स्तुति कले सारी देवता जहां से स्तुति कले भगवान के लिए हम से रासु ब्रह्मा मु महेश्वर मु शंकर मोर मायर समते मोहित होती सब।
ଭଗବାନ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲେ ଆଉ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ବଡ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରିଲେ, ଭଗବାନ ସହିତ ରାଜି ହେଲେ, ବାସ ଛୁଟି। ଏଥିରୁ ସାର ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନପୁର ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମକୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛି ଆଉ କେହି କାହା ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ସବୁ ଆଉ ଭିନ୍ନତା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସେ ଗୀତାରେ ଯେମିତି ବିଭୂତି ଯୋଗ ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୁଗରେ ସବୁ ନାଁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁଟା, ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଏହା ତ ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଦେଲେ ଜାଣିଦେଲେ କହିଦେଲେ ଶୁଣିଦେଲେ କି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସବୁ ପରିଚାଳନା ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ତ ଦେଶରେ ସେ କହିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବୋଲି, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କି ନାହିଁ, ଏତିକି ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଠୁ ହଁ କଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କଣ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବା କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା କେମିତି ଆମେ ଚଳିବା ଆମ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରିବା ଆମ ସାଧନ ମାର୍ଗକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଦେବତା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ନ ହଉ, ଭଗବାନ ପୂଜ୍ୟ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିନି, ଭଗବାନ ତ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରାହେଲା ଆଉ କଣ, ସାଧକ ତ ସାଧକ ସାଧକ ତାର ସାଧନ ମାର୍ଗକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଚଲେଇବ, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବା ଆଖ୍ୟାନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉଥାଏ କଣ ପାଇଁ ଆଉଥାଏ, ସାଧକ ବା ଭକ୍ତ କଣ ଶିକ୍ଷା ନେବ ସେଠୁ, ତା ସାଧନକୁ ଆଗକୁ ଚଲେଇବ ବଢେଇବ ସେଥିରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସଦଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୁରୁମୁଖରୁ ଏସବୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର କୁହ ବା ଶିବଙ୍କ ଚରିତ ରାମ ତ ଶୁଣିଲେ ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାପୀ ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଲେ କେତେ କଣ ବିରୋଧ ବହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟୁତି କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ହଁ କରିଦେଲେ ବା ସରିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କଣ କଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ, କଣ କଣ କେତେ କଣ ବୋଧେ କଣ କହିବି, କଣ ଆଉ କଣ କହିବେ ବୋଧେ, ଆଉ କୋଉ ବରଫର ଦେବି କଣ କରିବେ କିଛି ନା କିଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧକ ସାଧନ କରିବା ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଯେ କଣ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମିଳିଲା, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମୋର ମନକୁ ଯାହା ଛୁଅନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ମଫସଲ ଘଞ୍ଚ ମଫସଲରେ
दले बिना पेंट रे पिला पंधरे बाहरी पेंट अच्छे ना सार्ट अच्छे ना कौन काम तो क्या कांधे तो दले बाहर पड़े आरम्भ करते खेल खेल आरम्भ कर दे बाली खेल तो से बाली घर करदे आली बर्तन पत्र सब तैयारी करदे बाली सब डाली तरकारी सब सब रोसे सब सिंब फूल से कया फूल कौ कौ फूल सब से संग्रह करते सब पूजा हरी सब करदे सब आ सब पंत बस खाइदे खाइबे जे सब बाली तो सब जीव शाग सब्जी इत्यादि तरकारी हाँ सब ये घस कठे सब घस खा खाया कि खाए कर पुणे देखे एथेर कि पेट पूरी भोग बहुत बड़ा कौन बास्तव जिन खाया पड़ो घर को जाए पड़ोटे रोठिया पड़े सब फैल तो कौन धके से धके जी जहा बल आसु देखिए गोटे जहाज से भांग भांग करदे गोटे हाला कर हाला कर रड्डी कर जहा घर जहा सब ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ବି ନୁହେଁ ଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଖେଳ ରହସ୍ୟ ଖେଳ ଯୋଉ ରହସ୍ୟରେ କେବଳ ହସ ଖୁସି ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟ ଖେଳ ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ତାର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରିନିଏ କାହିଁ ସେ ବୁଝିଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ୟତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଭଗବାନ ତାର ଯାହା କିଛି ସବୁ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କର୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିରୋଧ ହଉ ଅନୁକୂଳ ହଉ ଚାହି ପ୍ରତିକୂଳ ହଉ ସବୁ ଭଗବତ କ୍ରିୟା ସେ ମାୟା କୁହ ସେ ମହିମା କୁହ ଯାହା କିଛି କୁହ ଭଗବାନ ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ରୂପରେ ରୂପ ରୂପେ ସ୍ୱରୂପରେ ଏସବୁ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିନିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳ ଗୋଟେ ଖେଳିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଖେଳୁଛି ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ ସେ ତାର ଖେଳୁଛି ମାତ୍ର ଏଇ ଭାବନାରେ କେବଳ ସେ ରହିଲେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ରହିଲେ ବାସ୍ ସେତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱଂସର ଯୋଉ ଲୀଳାଟା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖେଳିଦେଲେ ଏଇ ସାର ଫୁଲରୁ ସାର ଯେମିତି ଭ୍ରମର ବାଛିନି ତାର ସୁଗନ୍ଧଟା ଏଇଟା ଭକ୍ତ କେବଳ ଏତିକି ବାଛିନି ବାସ୍ ନା ଏଥିରେ କିଛି ହରସ ଥାଏ ନା କିଛି ବିରସ ଥାଏ ତାର ସେ ଅଲୌକିକ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ଗୋଟେ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏସବୁ କିଭଳି ବିଚିତ୍ରତା ଖେଳ ବୋଲିକି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ କଣ 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 କେତେ କେତେ କଠିନ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ଆଉ କେବଳ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଖାଲି ମରିବା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ଏତିକି ଖାଲି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଉ ମରିବା ଜନ୍ମ ହେବାର ତ
जो भाया टेनसन कष्ट सब था सब अनुमति कैसे किन्तु भक्त एते हालका कर दिए एते हल्ला कर दिए जन्म मरण कथा तो कुआडे उड़ी जा तार ठिकना नहीं भगवान गोटे बढ़िया रहस्य गोटे खेल चलती से खाली रही बस से भाव राज को आ भक्त को लेकिन भगवान भी तम खेल भी लगे दिखते कौटी कौटी बाबा से गोटे पद से कहले ये जो मनुष्य मान भेद दृष्टिता जो मुझे करी ये जो भेद दृष्टिता भी मुझे मोर खेल भितर गोटे रचना कर तत्व भितर पशिले जहा कि हूँ तो सी हूँ हूँ सी हूं ना कौन आम कह प्रश्न सब हम भगवान अंश तो जीव भगवान विदुर तो ये प्रश्न करना कि प्रश्न फास्ट करना विदुर मैत्र पाखे चतुर्थ ये तो जीव भगवान अंश नित्य सनातन ये भी जन्म मरण रहित भगवान ये भी सेमती ताले सीते अलग आम कह कहीं अलग हेले लगे दिया हो कि कौन ना भगवान इच्छा हेला कि कौन आ भगवान इच्छा कला बेले कहीं तुम इच्छा हेला कि कह मैंने भगवान को लगे देले इच्छा हेला मन हेला आ समस्त चुप भगवान इच्छा हेला मैंने चुप आम कह पार कहीं इच्छा हेला तेज जीव जो अंश अलग है अलग हेले भगवान इच्छा अलग हेला जदि अलग हेला इच्छा ताहले पाखे जो गुण आखिर से गुण विद्रोह प्रश्न कर मोहित हो जाए माया लग जा मोर अहंत ममत करण कि शुद्ध से जो उठी रही शुद्ध जेहेतु भगवान अंश भगवान से अंश कहले भी भगवान ताठ कौन छाड़ी रहले कि मधुर गोटे गैप रहले कि नहीं तो भगवान पूर्णता ही आ जीव तत्व भी आम बहुत अंश भी सी पूर्णता ही ये कौ कारण मोहित हो जा प्रश्न करना उत्तर से दे मोहित है लगुच दीटा दृष्टांत लगुच मोहित सेनि कि हौन कि हम बोध काल से बोध टाइम केवल चर्चा चलिए बोध कि नवार अच्छे तेज प्रश्न बोध कहीं हूँ अभाव ना अभाव हूँ बोध हूँ टा पैसा धन धान्य पौरुष किसी अभाव ना पुणी भोट रे लड़की आरोप बाहर भगवत इच्छा पर कहले जो भगवान जो प्रकृति को ईक्षण कर देखी से जो साम्यावस्था थी सी भितर सब क्षोभ उत्पन्न प्रकृति में प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हवा द्वारा सप्तरज तम गुण तारतम्य देखाई ताफल सब जाक विविधता विभिन्न प्रकार प्रकृति अनुसार रज गुण बढ़ी जाते विक्षिप्त हो बहिर्मुखी हूँ बहिर्मुखी हेले चंचलता अच्छी चंचलता आसे प्रकृत रूपटा दुशुना प्रतिबिंब जमी चंद्र जमी दोहल्ला सिंधी हूँ जीव कौन कला अन्न किए कला कि भगवान भगवान कले जिते भगवान ये सब करते सिद्धांत पाई जीव किसी करूनु तो कहार किसी आना जीव तो किसी रोज भगवान तो से जीव होती जीव तो से मोहित हूँ हे भगवान मोहित हूँ
ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଏ ରହିଲା କିଏ ପତରେ ଗୋଛେ ନା ଭଗବାନ ମୋହିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବ କେଇଠି ବୁଝିବ ତ କଥାଟା ଅଂଶଟା ଅଂଶଟା କିଏ କି ଅଂଶଟା ତ ଭଗବାନ ଅଂଶଟା ତ ଭଗବାନ ନା ସେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଛି ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଛି ଅଭିନ୍ନ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଦେଖନି ସିଏ ରାଶି ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତାହେଲେ କିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଠିକ ଭଗବାନ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଏଠି ପଚାରିବୁ କି ପଚାରିବା ବାଲାଟା କିଏ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କିଏ କହୁଛି ଏଟା ଦେବତା କିଏ ପଚାରିବାକୁ କିଏ ସେ ଅଛି ଯେତେ ନିର୍ଯାସକୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ପଚାରିବ ପଚାରିବା ବାଲାଟା କିଏ ସେ ସେ ତ ଜୀବ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରିବ କିଏ ତମେ ଏଟା ତମ ମାୟାରେ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ବୋଲି କିଏ ପଚାରିବ ଏଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କିଏ ଅଛି କିଏ କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୀମାଂସା ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଯୋଉ କାରଣ ତାର କାରଣ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବ କାରଣ ହିଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଯୋଉ କାରଣ ଆମେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଭାବଟା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ହଉଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ବା କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କରୁଥିଲି କହୁଥିଲି ବା କରୁଥିଲି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହଉଥିଲା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ବିହୀନ ହବନି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ କଟିଯିବ ବାବା ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଆର କିଏ କିଏ କଥାଟା ଭାବୁଛି କି ନା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେ କା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜେଗା ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ସିଏ ହିଁ ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଯୋଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଯିବ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ସେଠି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଟା ଏଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ରହିବନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆମର ପୁରା ଫୁଲ କନସିୟସ ହେଇକି ରହିଲେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚେତନ ରହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ଏଠୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ବିସ୍ମୃତି କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଆମର କଣ ହେଇଛି ବା ଏବେ ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ବୋଲି ଏଠି କିଏ କହିବ ଏଇ ତ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଯଦି ଏଠି ତମେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି ଠିକ ହେଲା ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିବି ଆରେ ବିସ୍ମରଣ କାରଣ ହେଇଯାଉଛି କାହାର ହେଇଯାଉଛି ବିସ୍ମରଣ ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଏ ହଉଛି ସିଏ ବିସ୍ମରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ମରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବିସ୍ମରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସ୍ମରଣ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆରେ ଏଠି ତ ଠିକ ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ତମେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆରେ ବିସ୍ମରଣ କି ହଉଛ ମୁଁ ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସ୍ମରଣ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବିସ୍ମରଣ ହଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ସେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଥମ ସେ କଥାଟା ଯଜ୍ଞ ସାର୍ଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ସିଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ କିଛି ବାସ୍ ଏଇଆ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ନବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ନବା ଯେ ଆମେ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେୟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ କଣ
मु विस्मरण होती स्मरण रहुची बोली कि गोटे कर्ता है कह बोलू कर्ता नरहर द्वारा कौन है ना भावराज प्रकट है हरिमय जगत जगतमय हरि हरि आछ बुझे आछ बुझे केत खाऊ केत करते शोची कौन हौचर से किसी भाव प्रकट करूनी मात्र करूँ जदि जो मात्र करूँ किए करना सी कर घर तो हेया बसिकी जमीन क्षेत्र बसिक भावना करुले जी क्षेत्र सी भरत सीए ही चढ़े सीए ही फल सी खाऊ सी नौ सी जाऊ सी बांधुची सब कथा सीटा कौन कहते भाई सीटा राम बरबर पे राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खाओरे आओरे खाओ चिड़िया भर भर पेट हाँ ये कहते बस हाँ हाँ आराम कहते निज बोली किसी अच्छी जैसे निजर बोली कह निज बोली किसी गोटे अच्छी कि निज बोली किसी ना सेटा हूँ अनुभूति आसीज मुझे किसी गोटे ना आ प्रश्न करियो किए भगवान प्रति जड़ा लास्ट तर नुह ना 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 जड़ भरत जो रोल टा कर भगवान प्रीति संपादन करने लास्ट जिनस नुह जड़ से जड़ से हम ना भगवत तत्व को जड़ भावना ताठ तुटीज भगवान जो सृष्टि जड़ भावना तुटीज बुझे भगवान सृष्टि जड़ भाव तुटीज मु भावटा तुटीज मुझे किसी जिनस ना मुझे किसी नुह कह भी ना मुझे बोले किसी गोटे जिनस ना एक कह कौन व्यक्तित्व रही कौ चित्र रो चित्र से रहा हि भगवत चित्र से रहा तार निष्पत्ति तार निष्पत्ति निष्पत्ति स्थिति जो गुडा सो द्वारा हब एटा हूँ सेवा हब सेइतु आरंभ हो सेवा सेवा जे भगवान को सेवा जदि किसी गोटे भितर आस व्यक्तित्व तुम भगवान सेवा कर व्यक्तित्वर जो शुद्धता जो शुद्धता भगवान हृदय को सब स्पंदन कराए भगवान हृदय को सब से आकर्षण कराए भगवान ता विहुने स्थिरकृत ही रहीपर आ से व्यक्ति पाखे भगवान सब बिक्री हवा भाया रही था ये हूँ ये आख्यान मान सब सार सार निर्दास मान मु कह कौन सी भितर स्पंदन न मु कौन करुच कहीं विमोहित कहीं मोहित हो जाऊ मोर कहीं भाव हौनी भाव हौला ए सब भगवान प्रति सरस्वती पचार कौन व्यक्तित्व भितर कही आ ना ये तार बास्तविक सिद्धांत ये सिद्धांत पर आसगला जहां हुए तम पाखे क्रिया हेटा हूँ सेवा हम दक्ष जगकर जो पूर्णता यज्ञ आसला जे मानी भगवान को
ଜଣେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ସବୁକିଛି। ୟାଦ୍ୱାରା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହିଁ ଥାଇକି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ର ଲୀଳା ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଟଚ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। କାହିଁକି କହିଲେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ତ ସବୁକିଛି ହେଲା, ସବୁକିଛି କଲା, ସବୁକୁ ତାର ଅସ୍ତ ନେଲା। ଏ କଥା କିଏ କାହା ପଚାରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏଇ ରସରେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ପୁରା, ହଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମ କଲା, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁନି, ସେଟା କହିଲେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁନି କି ମୁଁ ସେଥିରେ ସୂଚନା ବି କରୁନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାଦ୍ୱାରା ରହେନି, ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ତାପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯୋଉ ସେବାରେ କି ଭଗବାନ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭଳି ନାହିଁ କି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ସାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ରଖ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଟାଅ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଟାଅ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଟିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସାଧନ ଡେଲି 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 ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କର, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର ଡେଲି ଭାଗବତ, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନର ଯୋଉ କର୍ମ ବାସନା ହଟିବ, ସେସବୁ ଆପଣ ଆପ୍ ଛୁଟିଯିବ। କେବଳ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଏ ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି ନୁହଁ, ବାବା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୀତ, ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ସବୁବେଳେ ଗଳାର ମାଳି କରିକି ଯେମିତି ପକେଇଥିଲେ ନା ତୁଳସୀ ମାଳି, ସେମିତି ଗୋପୀ ଗୀତକୁ ମାଳ କରି ସବୁବେଳେ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଠରେ ଅଭିନ୍ନ। ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ବିରହ ବେଦନରେ ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକୁଥିଲେ ଯମୁନାକୂଳରେ, ଏ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା ଆଉ ସେ ଗୋପୀମାନେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଆଉ ସେ କଣ ଲେଖିବେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିବା କଣ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହବ ନା, ଏଟା ସବୁ ପାଗଳ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ୟାପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିବ ବା କରାଯିବ ତା ସବୁ ପାଗଳ। ସେ କଣ କହିବ, କେତେବେଳେ ହସିବ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ, କେତେବେଳେ କଣ କହିବ, କେତେବେଳେ ଗାଳି କରିବ, କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବ, ଏଟା କଣ ପାଗଳ ମୋର କାମ ନା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ରତ ସୁପ୍ରିୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତିଆ ଜାତାନୁ ରାଗ ଦ୍ରୁତଚିତ୍ତ ଉଚ୍ଚେଇ ହସତ୍ୟତ ରୋଦିତି ରହୁତି ଗାୟ ତୁନ୍ମାଦ ବର୍ଣ୍ଣତି ତୁନ୍ମାଦ ବର୍ଣ୍ଣତି ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ସେ ବାହ୍ୟଗଣ ତ ଗଲା ବିଲକୁଲ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାଚିବେ ତା ହୃଦୟରେ, ଆଉ ତାର ଆଗ ରହିଲା ଉନ୍ମାଦ ଲୋକ ସମାଜରେ, ଆମ ଯୋଉ କୁଳାଚାର ସମାଜରେ ଲୋକ ସମାଜରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳର ପରିଚୟ, କିଭଳି ରସରେ ବୁଡ଼ିକି ଭଗବାନ ଶୋକ ଯାଉଥିଲେ ତା ପଛରେ ଯାଉନ, କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଧୂଳି ଟେକା କଣ କଣ ସବୁ ମାରି ମାରି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଜରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ତମେ ଦେଖିକି, ଆରେ କିଏ ରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଶ୍ରୀ ଦେବାନିତା।
ତୋର ହରିବ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ
सनातनी जय तथा मदन गोपाल की जय महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय भगवान की जय परिषद महाराज की जय सौनक मंडल की जय हरिनाम संकीर्तन की जय तुलस महाराणी की जय आज सत्संग की जय साव संतन की जय संतन की जय अपने गुरु गोविंद की जय महाराज की जय अंतर्गत वैष्णव की जय नाम सेवा कुंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि हरि बोल।